3rd में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट 3rd में, जिसमें हमें 2 फिक्शंस को पढ़ना था। पहला जो कि होम एंड द वर्ल्ड, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा सेकंड हमने पढ़ा था अमृता प्रीतम द रिवेन्यू स्टैम्प, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वैसे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे लिंक हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की PDF या नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4th। तो जो हमारा BA 4th सेम का सिलेबस है, सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब फर्स्ट वीडियो जो थी सिलेबस की, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो 4th यूनिट में हमें पोइट्री पढ़नी है। पोइट्री में जो आपके सिलेबस में है, जो कि आपने हिंदी में सुना होगा, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना ही होगा। तो जयशंकर प्रसाद ने एक बहुत ही फेमस पोइट्री लिखी है, जिसका नाम है आंसू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आंसू का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि चार्ल्स SJ White ने किया है, तो जो जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखा है उसको हम उसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ने वाले हैं। और जो ट्रांसलेट किया है वो चार्ल्स SJ White ने किया है, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो इनकी जो पोइट्री है उसमें काफ़ी सारे लगभग 200+ स्टैंडर्स हैं, बट आपके सिलेबस में सारे स्टैंडर्स नहीं है। जो CCS का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड 1st दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपके 9-14 स्टैंडर्स हैं, फिर 21 है, फिर 77 है, मतलब कुछ ही स्टैंडर्स को इंक्लूड किया गया है। तो जितने भी CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है वो सारे स्टैंडर्स मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। मतलब आपको जो पोइट्री से पूछा जाएगा, इन स्टैंडर्स का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको करना है। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर यूपी बोर्ड से होंगे, मतलब जिन्होंने 12th से यूपी बोर्ड की, जिन्होंने 12th अपनी यूपी बोर्ड से की है, उनको पता होगा कि पोइट्री जो होती है उसमें आपके स्टैंडर्स होते हैं, और स्टैंडर्स में आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। तो बाकी एक्सप्लेनेशन मैं जैसे ही हमारी ये पोइट्री कंप्लीट होगी, एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपसे जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा जा सकता है, आपको उनका जो भी लाइफ स्टाइल था, उनका जो भी मतलब जैसा भी उनका जीवन रहा, उसकी समरी आपसे पूछी जा सकती है। उनका पोइटिक मेथड कैसा था वो आपसे पूछा जा सकता है। पोएम की कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यही 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पोइटिक मीनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, या जो आंसू लिखा है, मतलब किस तरीके की विरह या किस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्यों इसको टाइटल आंसू दिया गया है, किसके लिए लिखा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। बाकी स्टैंजर वाइज एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, मतलब हर स्टैंजर की करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट दी पोइट, जो पोइट है, थोड़ी सी डिटेल्स हम उनके बारे में जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा जो पोएम है उसके बारे में जानेंगे। मतलब पोएम की भी कुछ आपको समरीज पता होनी चाहिए, फिर हम स्टैंजर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर पिक्चर है जयशंकर प्रसाद की, खैर ये तो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है इनके बारे में आपको जानना है कि जो जयशंकर प्रसाद थे, देखिए हिंदी में इनका नाम ना सभी ने सुना होगा, हिंदी में इनको महाकवि की उपाधियाँ दी गई थी, और भी काफ़ी सारे ऐसे टाइटल्स इनको दिए गए हैं। ड्रामा एम्परर भी इनको कहा जाता था, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये लिखा करते थे। और इनकी लेखन कला को मतलब आप इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे लेकिन आप जान पाएंगे कितने गहराई से ये लिखा करते थे, ठीक है। और काफ़ी सारे इनके नाटक हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपने सुने होंगे, जैसा कि आपने वो सुना होगा झरना है, आंसू है। देखिए आंसू तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आंसू हो गया, झरना हो गया, इसके अलावा स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, काफ़ी सारे इन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामास भी लिखे हैं, उनकी वजह से इनको ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो अभी चलो इनकी डिटेल्स देख लेते हैं कि जो पोइट जयशंकर प्रसाद हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है हिंदी लिटरेचर में, हिंदी ड्रामा में उनको जाना जाता है, और महाकवि और ड्रामा एम्परर जैसे टाइटल्स इनको दिए गए हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है 1889 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ ईयर की बात करेंगे, एग्जैक्ट डेट की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको लेकर के ना काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। मतलब अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे ना तो इनकी डेट्स आपको कहीं पे नवंबर लिखा हुआ है, कहीं पे फरवरी लिखा हुआ है। तो देखिए जिन चीज़ों में डाउट है, बेटर होगा कि आप उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड ही ना करें, गलती होने के चांसेस मतलब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप नवंबर लिखते हैं, बट जो भी एग्जामिनर है या जो भी आपकी कॉपीज चेक करेंगे उन्होंने वो कुछ और कहीं और पढ़ा है, तो शायद उनको आपका आंसर गलत लग सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ ईयर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 1889 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, और इन्होंने जो पोइट्री में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, ये बचपन से स्टार्ट कर दिया था अपने फादर की वजह से। अब देखिए इनके फादर कोई पोइट नहीं थे, राइटर नहीं थे, मतलब इनके फादर का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, वो ऑथर नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, बट उनको हिंदी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उनके इसी इंटरेस्ट की वजह से वो काफ़ी सारे पोइट्स को, आर्टिस्ट को अक्सर अपने घर पर बुलाया करते थे, ठीक है।
अब देखिए जब जयशंकर प्रसाद छोटे थे तो उनके घर पर ना काफ़ी सारे पोइट आया करते थे अक्सर, और वो काफ़ी सारी पोइट्रीज उनके फादर को सुनाया करते थे, तो ये भी वहीं पर बैठ के उनको सुना करते थे। और धीरे धीरे सुनते सुनते कहीं ना कहीं इनका भी वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा है ना। बाद में स्पेसिफिक स्किल्स इन्होंने या उस चीज़ से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड इन्होंने कुछ नॉलेज एक्वायर की, मतलब काफ़ी चीज़ें तो ये उस घर के एनवायरनमेंट में रहकर ही सीख गए थे। अब इनकी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो जो भी इनका अर्ली एजुकेशन था वो इनके घर पर ही हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू काफ़ी सारी लैंग्वेजेस भी सीखी हुई थी। इनकी जो स्कूलिंग बताई जाती है वो इन्होंने 7th स्टैंडर्ड तक क्वींस कॉलेज ऑफ बनारस था वहाँ से अपनी स्कूलिंग की थी, ठीक है। अब बाद में देखिए इन्होंने मिथोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या फिलोसफी, अब बाकी सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी गहराई से पढ़ाई इन्होंने, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स की इनके पास ऐसा कोई डिग्रीज नहीं थी या कहीं से कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स वगैरह उन्होंने नहीं किया। इन सारी लैंग्वेजेस को या इन सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने घर पर ही पढ़ा है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है बहुत ही दयालु हृदय के और बहुत ही सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनकी राइटिंग्स में ना हमें इमोशंस, फैंटेसी और मतलब काफ़ी सारे एक्चुअल इवेंट्स का ना एकदम मिक्सचर नज़र आता है, ठीक है। अब वो मिक्सचर किस तरीके से नज़र आता है वो जब हम आंसू को पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने जितना हिंदी में कंट्रीब्यूशन किया है तो जो भी स्टूडेंट्स या बीए में जिनके पास भी हिंदी है वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे इनका हिंदी लिटरेचर में जो योगदान है, मतलब उसको तो हम एक तरीके से काउंट ही नहीं कर सकते हैं। कितने सारे हिस्टोरिकल ड्रामास हैं जिनको मतलब जिनकी वजह से इनको जाना जाता है, काफ़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इनका जो राइटिंग वर्क है ना वो अपने आप में एक पिलर की तरह है, ठीक है, जिन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को संभाले रखा है। अब अगर हम बात करें इनकी पोइट्रीज़ की तो ये जो पोइट्रीज़ लिखा करते थे ब्रज भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। देखिए जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में ना MCQs भी आते हैं पेपर में, वहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है किस लैंग्वेज में क्या चीज़ें लिखा करते थे, और कुछ आपसे इनके मतलब जो भी इन्होंने नाटक वगैरह लिखे हैं ना वो आपको ऑप्शन से मिल सकते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे यूज़ करना होगा कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, कौन सा लिखा है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो बस उन स्टूडेंट्स के लिए जिन भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में MCQs पूछे जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। बाकी देखिए CCS में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, डिस्कस द पोएटिक मेथड ऑफ जयशंकर प्रसाद या डिस्कस अबाउट जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में आपसे डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। और कुछ आप इनकी रचनाएं भी याद रखें तो आपका आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी बोला कि इनके कुछ नाटक इंपॉर्टेंट हैं तो एक दो नाटक हम भी पढ़ लेते हैं, मतलब वैसे तो इस PDF में लिखे हैं सारे, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, बट जो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं जैसे कि स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, झरना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीछे जो आपको ये नाम नज़र आ रहे होंगे ना नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी है ना इन्होंने सब कुछ ये हिंदी में लिखा है, बट यहाँ पे उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है तो इसलिए आपको ये सुनने में थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा। जैसे यहाँ पे चित्राधर लिखा हुआ है, कुसुम महाराणा लिखा हुआ है, लव पैट्रिक लिखा हुआ है, वाटरफॉल्स लिखा हुआ है। देखिए वाटरफॉल्स जो है झरना है जो कि हिंदी में इन्होंने लिखी है, टीयर्स यही जो आपके सिलेबस में है, आंसू, एपिक करप्शन, ये सब कुछ इन्होंने हिंदी में लिखा है बट यहाँ पे ट्रांसलेटेड है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ड्रामास की, देखिए ड्रामास में तो इनको ड्रामास के लिए और इनकी पोइट्री जो ये लिखा करते थे ना कालाधर के नाम से लिखा करते थे जयशंकर प्रसाद, इनका जो पहला कलेक्शन था वो चित्राधर के नाम से काफ़ी फेमस था जो कि ब्रज में इन्होंने लिखा था, और बाद में इनके वर्क को मतलब ऐसे एक खादी डायलेक्ट है मतलब बोली है उसमें ट्रांसलेट किया गया, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, और ये अपने युग के सबसे ज़्यादा फेमस कवि माने जाते हैं। देखिए युग की बात करें तो जो भी स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड रखते हैं ना उनको पता होगा कि जैसे कि आपने ना सेकंड सेम की पोइट्री में पढ़ा होगा विक्टोरियन एज हुआ करता था वहाँ पे, मतलब जैसे पोइट्रीज में अलग अलग ईयर वाइज ना उन एजेस को डिवाइड किया हुआ था, सेम चीज़ ना हिंदी में शुक्ल युग हो गया या भारतेंदु युग हो गया, उसी तरीके से एक छायावाद युग था, ठीक है। तो ये जो थे छायावाद युग के सबसे फेमस एक कवियों में इनको गिना जाता था। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनको एक पिलर की तरह माना जाता है, तो सेम ना हमें इस छायावाद युग में ना ऐसे चार पिलर्स देखने को मिलते हैं जिन चार पिलर में इनको भी काउंट किया जाता है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये तीन नाम, ठीक है, और चौथा नाम जयशंकर प्रसाद, इन चारों को फोर पिलर्स कहा जाता है हिंदी लिटरेचर में छायावाद युग में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे जब भी इनके बारे में लिखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बाकी इनके ड्रामास की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इनोवेटिव वर्क इनका देखा गया है हिंदी में वो इन तीन नाटकों में है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उसके अलावा ध्रुव स्वामिनी है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जिसके लिए इनको जाना जाता है या जिसको लिखने के बाद में इनकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना एक इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज़ की बात करें तो
एक यहाँ पर नाम सुनने को मिलता है शांता गांधी, जो कि प्रोफेसर थी एंशियंट इंडियन ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, ठीक है। अब उनको जयशंकर प्रसाद की स्टोरीज में, इनकी फिक्शंस में या इनकी पोइट्रीज में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और उन्होंने क्या किया, मॉडर्न इंडियन थिएटर में 1960 में इन्होंने स्कंदगुप्त को प्ले किया, ठीक है। लेकिन देखिए 1928 में इन्होंने दोबारा से लिखा था इसको, कुछ इन्होंने चेंजेस किए थे, मतलब जो जयशंकर प्रसाद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। पोइट्री में जयशंकर प्रसाद को काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले से इतना ज़्यादा फेम मिल चुका था, बाकी लोगों ने जब इनके पोइट्रीज में इंटरेस्ट लिया और उसको वापस से रिक्रिएट किया, उसके बाद में इनकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई और इनके काम को और भी जगह पे सराहना मिली, ठीक है। अच्छा देखिए जो आंसू उन्होंने लिखा है ना, इतना ज़्यादा यूनिकली इन्होंने इसको लिखा है, इतने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी वजह से इसको, मतलब हिंदी में तो खैर ही पढ़ाया ही जाता है, उसके अलावा इसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की इतनी डिटेल्स जानना हमारे ज़रूरी है, बाकी पब्लिक सर्विस मतलब इन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू ही की है, मतलब काफ़ी छोटी एज से ही, बचपन से ही इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का शौक था कि जितना ज़्यादा इनसे हो पाता था उतना ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते थे, अपने नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने घर से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब चीज़ों के प्रति इनका लगाव, इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। और हिंदी पोइट होते हुए भी इन्होंने अपनी जो पोइट्रीज हैं उनकी शेडो या मतलब एक ब्यूटीफुल सा एक सिनेरियो लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की है, जिससे कि लोग नेचर को समझ सकें, अपनी कंट्री के प्रति, अपने नेचर के प्रति उस प्यार को वो समझ सकें, और मतलब अपने नेचर के टुवर्ड्स और कंट्री के टुवर्ड्स वो लोग भी पूरे तरीके से सर्व कर सकें खुद को, ठीक है। तो इनकी पोएम का जो बेसिस, मतलब जो बेस रहता था वो यही कि मैं किस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब जिन्होंने भी इनकी पोइट्रीज़ को, इनके ड्रामास को अच्छे से पढ़ा है, डीपली उसको समझा है, वो इस चीज़ को समझते हैं, मतलब ये लोग को मतलब इंस्पिरेशन देना चाहते थे, इंस्पायर करना चाहते थे कि लोग जीवन में कुछ नया करें, कभी भी थक कर ना बैठे वो। तो कठिन परिस्थितियाँ सबके जीवन में होती हैं, लेकिन उस कठिन समय से आपको कैसे लड़ना है, आप बहुत बार गिरेंगे, आप बहुत बार टूटेंगे, लेकिन आपको वापस खड़े होना है, वापस जुड़ना है और वापस से सभी चीज़ें आपको शुरू करनी है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको रुक के नहीं बैठना है, इस तरीके से ये लोगों को समझाना चाहते थे, जो इनकी राइटिंग्स ने काफ़ी अच्छे से किया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई हमारे पोइट के बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं पोएम के बारे में, मतलब पोएम को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों इस पोएम का नाम आंसू रखा गया है, और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें इसको नाम दिया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। गार्डन ऑफ लोनलीनेस जो कि जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया उन्होंने नाम दिया, तो एक मास्टरपीस के नाम से जानी जाती है ये आंसू, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आपके 190 स्टैंजास हैं, ठीक है। अब 190 स्टैंजास में इन्होंने जो दिखाया है वो अपना एक डेस्परेट लव शो किया है, जो कि किसके प्रति है, मतलब अपनी वाइफ को ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है, तो उनकी याद में, देखिए यहाँ पे जैसे आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे ना, सेम मतलब आपने फिगर ऑफ स्पीच के नाम से ना प्रीवियस सेमेस्टर में भी इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है, किस स्टैंजा में कौन सा अलंकार यूज होता है, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब कुछ जो लिखा है विरह सेपरेशन को एक थीम बना करके लिखा है, कि ये अपने बिलव्ड से दूर हो चुके हैं, दूर होने के बाद वो फीलिंग कैसी होती है, और जब काफ़ी समय बाद आपको वो सब चीज़ें वापस से आती हैं, वो मेमोरीज अचानक से आपके माइंड में एकदम से सब कुछ वो रिपीट होने लगता है, लेकिन अब वो इंसान, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है कि जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांटते थे, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहा है, तो अब आप उन यादों के साथ अकेले बैठे हैं, तब आप कितना तन्हा महसूस करते हैं, लेकिन उस तन्हाई में भी वो यादें आपको किस तरीके से खुशी दे सकती हैं, वो बिताए हुए पल, ये सब चीज़ उन्होंने इस पोइट्री में लिखी, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, अगर हम बात करें स्टैंजास की तो इसमें फर्स्ट के बाद हमें डायरेक्ट 9 स्टैंजास पढ़ना है, बाकी और हम थोड़ी सी डिटेल्स पोएम से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है पोएम की समरी, मतलब पोएम की समरी जब आपसे पूछी जाएगी तो आपको इन स्टैंजास की समरी नहीं बल्कि पोएम किससे रिलेटेड है वो सब कुछ लिखना होगा, कब ये लिखी गई है, कितने स्टैंजास हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको ये डिटेलिंग काम आएगी, ठीक है। The scene is set in a beautiful garden that has become deserted due to the absence of the beloved. देखिए काफ़ी खूबसूरत सी लाइन ये लिखी गई है, खैर इसको तो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा गया है, बट जब इन्होंने हिंदी में ये लिखा है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से लिखा है कि एक बहुत सुंदर सा बगीचा जो एकदम यादों से, फूलों से हरा भरा था, अब वो एक सूखा रेगिस्तान बन चुका है, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरे बिलव्ड की एब्सेंस की वजह से। वो व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता था, उसके ना होने से, उसकी अनुपस्थिति से, वो जो एक हरा भरा बगीचा था वो मुझे अब सूखा मैदान नज़र आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अपनी मतलब एक लाइन में इन्होंने समराइज कर दिया है ये पोएम किससे रिलेटेड है, ठीक है, एक लिरिकल पोएम है कह रही, और चार लाइन का यहाँ पर स्टैंजा होगा आपका, और कुछ इसमें आपके वर्सेस भी आपको नज़र आएंगे, मतलब एक तरीके से आपको सारी यहाँ पे लवर की फीलिंग, मतलब जो जयशंकर प्रसाद की फीलिंग्स हैं सेपरेशन के बाद में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आंसू टीयर सेम है दोनों, मतलब ट्रांसलेशन करने के बाद इसको टीयर्स लिख दिया गया है या द गार्डन ऑफ लोनलीनेस लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए इतनी डिटेल्स आई थिंक काफ़ी होंगी पोएम की, अब हम बढ़ लेते हैं स्टैंजा की तरफ। और देखिए सारे ही स्टैंजाज आपके एक ही वीडियो में नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टैंजाज जितने भी हमें टोटल पढ़ने हैं ना, 5-5 करके या 3-2 करके हम इनको अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सबसे पहले स्टैंजा की तरफ, जो कि है, इन दिस पिटियस हर्ट नाउ द क्रिपल रागिनी प्लेस, वाई डज द मोन ऑफ इट्स नोट्स स्वेल विद एन एंडलेस एग। अब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है चार्ल्स ने, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है वो लाइनें कुछ मतलब इस प्रकार से हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। देखिए हिंदी पढ़ के आपको अच्छे से इसका सेंस समझ में आ रहा होगा कि कवि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं और वो कहते हैं कि क्यों क्यों अब मेरे हृदय में वो पुरानी यादों की जो रागिनी है वो बजने लगी है, क्यों उन पुरानी यादों का, उन बातों का मतलब जो एक समय हमने साथ में बिताया है वो सब कुछ, वो जो दर्द है वो वापस से क्यों अब मेरे हृदय में मुझे महसूस होने लगा है, क्यों वो दर्द एक हाहाकार बनकर स्वरों की भांति मेरे हृदय में मुझे चुभता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने पास्ट लव के पेन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है इन चार लाइनों से, कि उनकी जो मेमोरीज हैं, वो जो यादें हैं जो उनके साथ कहीं पीछे छूट चुकी हैं, तो इन स्टैंजास के थ्रू वो डिपिक्ट करना चाहते हैं उन मेमोरीज को जो उनकी बिलव्ड के साथ हैं। वो कहते हैं उनका मेरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब पोइट ये बताना चाहते हैं कि उनका जो हृदय है वो भर चुका है उस कंपैशन से, उस अफेक्शन से, और वो सब कुछ एक म्यूज़िक, एक रागिनी की तरह बार बार मेरे हृदय में प्ले होता है। अब इस म्यूज़िक में मेरी जो रोने की आवाज़ है वो एकदम से मिक्स हो जाती है, मतलब क्योंकि वो यादें आपको रुला देती हैं सिर्फ इस वजह से कि जिसके साथ वो वक्त, जो लम्हा आपने बिताया है, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, लेकिन वो पल खूबसूरत थे, वो बिताया हुआ साथ में समय बहुत खूबसूरत था, कि उसकी खूबसूरती से आपका हृदय खुशियों से भी भर जाता है, लेकिन वो अनुपस्थिति आपको रुला भी देती है। तो यहाँ पे एक मिक्सचर है उनके हृदय में, एक दुख भी है और साथ ही साथ अच्छी यादों को याद करने की खुशी भी है। तो पोइट कहते हैं ये जो दर्द है, मैं दर्द से चिल्लाना चाहता हूँ, मैं चीखना चाहता हूँ, इतना दर्द मेरे हृदय में भर चुका है। और साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए सब चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मस्तिष्क है वो एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है या एक बहुत बड़ा समुद्र है कि जिसमें वो लहरें लौट लौट कर आती हैं, तो उसी तरीके से मेरी वो भावनाएं, मेरी वो यादें लौट लौट कर आती हैं और किनारों से टकराती हैं। वो जो पुरानी मेमोरीज जो कि अब वापस से मैं जिनको नहीं जी सकता हूँ कभी भी अपनी प्रियतमा के साथ, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है, ये पल ऐसे हैं कि जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता, और काफ़ी पहले मैं इन्हें मतलब भुलाना चाहता था। देखिए भुलाने से मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि वो अपनी वाइफ को भुलाना चाहते हैं, पर क्योंकि ये जो यादें हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है क्योंकि वो अब उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि ये यादें लौट लौट कर वापस मेरे पास आती हैं और मुझे उतना ही फिर से दर्द महसूस कराती हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी फर्स्ट स्टैंजा की। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टैंजा। देखिए सेकेंड स्टैंजा है यहाँ पे, एक सेकेंड, बर्स्ट द बबल्स ऑफ सी द ब्रोकन गार्लैंड ऑफ स्टार्स लुक्स लाइक द प्लंडर्ड अर्थ्स हेयर स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई। अब ये ट्रांसलेटेड वर्जन है सेकेंड स्टैंजा का। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मार्किंग जो की है वो सेकेंड स्टैंजा लिखा है, बट जो आपके सिलेबस में है वो आंसू का नाइन्थ स्टैंजा है। ठीक है, तो ये नाइन्थ स्टैंजा है यहाँ पे, जिसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, बुलबुले सिंधु के फूटे, बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी नव मुक्त कुंतला धरनी दिखलाई देती लूटी। देखिए साफ आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि बस्ट द बबल्स ऑफ द सी, कैसे समुद्र में या कैसे समुद्र के जो बुलबुले हैं वो फूट सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है कि वो जो यादें हैं, वो यादों का बुलबुला अचानक से मेरे अंदर फूट गया है, जिनको मैं काफ़ी लंबे समय से सहज के और संभाल के रखे हुए था, वो सारी यादों का बुलबुला अचानक मेरे अंदर फूट चुका है।
और वो जो यादों का एक मतलब कह सकते हो सितारों से बना हुआ जो एक हार था वो अचानक से टूट जाता है, और सब कुछ मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे पूरी जो पृथ्वी है वो बिखरी बिखरी पड़ी है, जैसे पृथ्वी के जो बाल हैं वो इधर उधर बिखर चुके हैं, आसमान पूरा फैला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यादें या वो पल उनके लिए इतने खूबसूरत थे कि अब वो चीज़ें उनके साथ ना होने पर वो ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। वो सब कुछ जो पहले मुझे बहुत खूबसूरत लगता था कि मुझे ये आसमान बहुत पसंद था, मुझे ये सितारे बहुत पसंद थे, समुद्र की लहरें बहुत पसंद थी, और आसमान में फैला हुआ वो नीला रंग वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे सब कुछ फैला हुआ या सब कुछ ऐसे नज़र आता है कि जैसे पृथ्वी के बाल बिखेर दिए गए हों, सब कुछ टूट गया हो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जिनसे वो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे आज वो उनके साथ नहीं है। तो कैसे यादें आपको अंदर से ख़त्म कर सकती हैं? और देखिए, ये यादें नहीं हैं जो उनको रुला देंगी, ये उनका ना होना, उनकी अनुपस्थिति है कि जो उनके हृदय को तोड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टेंथ स्टैंजा है। देखिए, टेंथ और जो हमारे बाकी के स्टैंजाज हैं ना उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो दो स्टैंजाज हम यहाँ पे कर चुके हैं, बाकी के स्टैंजाज को हम कुछ पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।